नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त है बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी भोपाल की। यहाँ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के विधानसभा क्षेत्र में पुलिस की मनमानी से जनता हुई त्रस्त। आगे बात होगी छिंदवाड़ा की। यहाँ अतिथि शिक्षकों की पेमेंट न मिलने पर शिक्षकों ने विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। बताएंगे कैसे कटनी में बरही पुलिस ने रुपए की अवैध शराब के जखीरे पर की ताबड़तोड़ कार्यवाही। तमाम खबरों पर विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। खबर भोपाल से, जो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के विधानसभा क्षेत्र में पुलिस की मनमानी से जनता त्रस्त आ चुकी है। ऐसे में कुछ फरियादी अपनी तकलीफ लेकर मुख्यमंत्री के बंगले पर पहुंचे। इन फरियादियों का कहना है कि पुलिस का अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में चोरी की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं। पुलिस माल बरामद करती है लेकिन फरियादियों तक नहीं पहुँचाती, साथ ही साथ फरियादियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। इस पूरे मामले पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सामने हमने अपनी ये व्यथा रखी है कि रीवा में जिस तरीके से पुलिस का मॉडल पेश किया जा रहा है कि आरोपियों को सह और फरियादियों में भय, इसके खिलाफ हमने उनसे अपनी व्यथा रखी है कि किस तरीके से अगर किसी के साथ वहां पे चोरी की घटना हो जाए, कोई कर्मचारी सामान लेके फरार हो जाए और पुलिस में अगर रिपोर्ट कराने पहुँचे तो पुलिस उल्टा फरियादियों पर ही मुकदमा लाद दे मुँह बंद कराने के लिए। और यही हमारे साथ हो रहा है। 3 किलो 645 ग्राम सामान चोरी गया, उसकी रिपोर्ट लिखाई, 3.5 महीने तक FIR दर्ज होने के बाद आरोपियों को तो पुलिस पकड़ नहीं पाई, लेकिन जब फरियाद लेके गए तो थाने में हमारे पूरे परिवार को बंद करके 10:30 बजे बदतमीजी की गई, बदसलूकी गई और 149, 186, 504 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया ताकि हम पुलिस की पोल न खोलें। ये बहुत ही घृणित कृत्य है पुलिस का। पुलिस फरियादियों पर दबाव डाल के अपराध पर क्या रोकथाम कर पाएगी, क्या अपराधों पर ऐसे अंकुश लगेंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर हमने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी से अपनी व्यथा सुनाई है और उन्होंने भरोसा दिया है और दोषी पुलिस अधिकारियों पर यही से इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ये जो फर्जी मुकदमा लाद दिए गए हैं मुंह बंद कराने के लिए, उस पर खात्मा लगाया जाए और आगे जो आरोपी फरार हैं, जो मस्त हैं और फरियादी जो पस्त हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई हो और आरोपियों को पकड़ा जाए। 15 नवंबर को मैं प्रमिला शुक्ला सहायक शिक्षक हूँ। मैं उपरहटी में मेरी स्कूल है। मैं चुनाव ड्यूटी में जा रही थी, मेरी पिंक बूथ में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, तो मेरे घर में 15 नवंबर को चोरी किए वहीं के निराला नगर के। मेरा घर गायत्री नगर में है, प्रथम अक्षर के पास से गली गई हुई है और बरसा TI मैडम वहाँ थी। मेरे ऊपर बहुत सहानुभूति दिखाई। जब चोर पकड़ा गया, मेरा सामान बरामद हुआ तो अभी तक कुछ नहीं कार्रवाई हुई। दूसरों का सामान देती हैं, मेरा सामान कहती कि वो बरामद है, कुछ नहीं किए हैं, तो हम कैसे जिए। मेरे पास एक लड़की है, मेरा पति भी नहीं है मेरे साथ में। मैं रीवा से यहाँ नवतपा में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में आई हूँ, वो मेरे को अनुशासन दिए हैं। तो मेरा सामान SP महोदय से अनुरोध मेरा है कि मेरा वो सामान दिलवाएँ और कार्रवाई करे, जो शासन प्रशासन का कानून है उसको फॉलो करे। ये नहीं कि अंदर बैठे से ही जनता तके रहे, वो बुलाते नहीं हैं। हाँ, मेरा सामान 40 तोला मेरा सोना था और 6 किलो मेरी चांदी थी। मेरी जीवन भर की पूंजी चली गई। कुछ मेरा पति खरीदा था, कुछ मैं जब शादी होकर आई तो मेरे माँ बाप पहना के भेजे थे। मेरी पूरी वो FIR नहीं लिखे। RP मिश्रा बोलते हैं कि मैडम संतोष कर लीजिए, होगा चला गया तो चला गया। एक पुलिस विभाग का कर्मचारी इस तरह से बोले तो कैसा लगता है। मंत्री जी फ़ोन किए, अनुशासन दिए हैं कि आपका सामान मिलेगा और जो सामान है तो आप दो उनको, तो अब यही हम लेके जा रहे हैं। आप दिल में धैर्य रख के कि मेरा जो विवेक सिंह हैं SP जी, तो मेरा सामान दिलवाएँगे और उनका जमानत हो गया चारों का। उनको विवेक सिंह को मालूम नहीं कि इनकी जमानत हो गई। ये कैसे पुलिस के SP बैठे हुए हैं, ये क्या अंदर बैठने से AC में रहने से क्या जनता का पेट भरेगा। जनता, हम तो फिफिया रहे हैं। हाँ, अकेले एक महिला नहीं तो बोले तो है ना SP साहब को। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट।
खबर छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव से, जो जुन्नारदेव विकासखंड में अतिथि शिक्षक संघ की महिला प्रदेश उपाध्यक्ष कुमारी अर्चना बरुआ के नेतृत्व में संतोष गंगारे विकासखंड सचिव अतिथि शिक्षक संघ जुन्नारदेव के मार्गदर्शन में विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अतिथि शिक्षक का 2 माह से लंबित वेतन के लिए ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में अगले सत्र के लिए कुछ मांग रखी गई, जिसमें राजेश चौक से विक्रम भूमल, अंकित विश्वकर्मा, शीतल भावरकर, साजिद शाह, अभिलाष नागवंशी समेत कई लोग उपस्थित रहे। मैडम, आपके नेतृत्व में यहाँ सभी अपने जुन्नारदेव ब्लॉक के अतिथि शिक्षक एकत्रित हुए हैं, किस उद्देश्य के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं अर्चना बरुआ, प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अतिथि शिक्षक संघ। आज जुन्नारदेव ब्लॉक जिला छिंदवाड़ा में के तहत हम जो ब्लॉक में आज सभी अतिथि शिक्षक इकट्ठे हुए हैं, तो ये जुन्नारदेव ब्लॉक में विगत मार्च और अप्रैल माह का अभी तक वेतन नहीं हुआ है। वही एंडिंग होने को है, लेकिन अभी तक इनका वेतन नहीं हुआ है। तो बीओ महोदय से मैं आग्रह करूंगी कि जल्द से जल्द हमारे जुन्नारदेव ब्लॉक का वेतन करवाएं। और इसके अलावा कुछ और मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये है कि यथावत आने वाले सत्र में भी यथावत जो अतिथि विगत 14 से 15 वर्षों में जो कार्यरत हैं, उन्हीं को ही प्राथमिकता के साथ अगले सत्र में उन्हें रखा जाए। और 30% का जो एक मापदंड हर जिलों में अभी रिजल्ट के प्रति जो तैयार किया गया है, तो ऐसा भी कोई भी भेदभाव हमारे अतिथि शिक्षकों के साथ ना किया जाए और उन्हें ही मौका दिया जाए। धन्यवाद। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के गुना से है, जहां कोरोना काल में जून 2020 में टेकरी पर हुई सनसनीखेज चोरी की वारदात का पुलिस ने 4 साल बाद खुलासा कर दिया है। इस मामले में चोरों और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके द्वारा वारदात स्वीकारते हुए 1 लाख से अधिक की जब्ती भी की गई है। इस मामले में सोमवार को पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की और पूरे मामले का खुलासा किया है। दिनांक 18-19 की जून 2020 की दरमियानी रात में टेकरी मंदिर परिसर में रखे दान पत्रों को तोड़कर कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर दान पात्र में रखे हुए रुपए चोरी किए गए। उक्त घटना की टेकरी मंदिर के सुरक्षा गार्ड बाबू सिंह यादव निवासी धरनावदा के रिपोर्ट पर अपराध प्रमाण 558/2020 धारा 457-380 कायम कर विवेचना में लिया गया। तत्समय उक्त चोरी के अज्ञात आरोपियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा काफी प्रयास किया गया था, जैसे कि कुछ गांव के बहुत सारे जो संदिग्ध थे उनके आधार कार्ड लेकर के फिंगरप्रिंट्स निकाले गए थे, सभी का फिंगरप्रिंट्स मैच करवाया गया था, तो एक्सटेंसिव काम किया गया था, लेकिन तत्समय इसमें सफलता नहीं मिल पाई थी। अभी कुछ दिन पहले जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो जघन्य अपराध है, सनसनीखेज अपराध है, उसके प्रति हमने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि उसमें लग करके जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई, समुचित कार्रवाई करें। इसी तारतम्य में अभी हमारी मीटिंग भी चल रही थी और पिछले कई दिनों से चोरी हुई, खास करके जो चोरियां हुई हैं उन पर सभी को निर्देशित किया गया है कि उस पर प्रयास करें और उसको सफलता के प्रयास करें निकालें। इसी तारतम्य में हमारे पास एक सूचना मिली कि मंदिर टेकरी मंदिर में कुछ लोग इन्वॉल्व थे, उस पर वर्कआउट किया गया और चूंकि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था उसका, और फुटेज में एक जो उसमें जो चोरी करने गया हुआ व्यक्ति है वो मेन मंदिर में जब चोरी कर रहा होता है तो जो फुटेज में आया है उसके हाथ में एक टैटू है, और जिसको हम पकड़े, जिसके बारे में हमारे पास सूचना थी, वो टैटू उसके हाथ में था, तो वे एस्टैब्लिश किया कि ये इन्वॉल्व थे। बाद में बातचीत में उनके द्वारा माना गया कि हाँ, हम लोग 4 लोग थे, हम लोग के द्वारा चोरी की गई है। तब समय ये चूंकि दान पत्र पेटी में पैसा रखा हुआ था, किसी को आइडिया होता नहीं कि कितना है, 50,000 की FIR की गई, लेकिन उसमें चोरी 3 लाख
10,000 के आसपास प्लस मुकुट और गद्दा ले गए थे। हनुमान जी का मुकुट और गद्दा ले गए थे जिसको किसी के पास 10,000 रुपये में उनके द्वारा बेचा गया और टोटल 3,10,000 के आसपास का अमाउंट है। अभी तक हम लोग 1,13,775 रुपये के आसपास इनसे रिकवर किए हैं। ये चोरी से ये लोग कुछ सामान खरीदे, पुलिस रिमांड लिया जा रहा है, आने वाले 1-2 दिन में और भी इनसे रिकवरी होगी। गुना से सीनियर संवाददाता सोनू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से, जो लगातार बड़ी तादाद में मध्य प्रदेश से गुजरात अवैध शराब की बड़ी खेप लगातार जारी है। पूर्व में भी पिटोल पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध शराब जब्त की गई थी। 27 मई को पुनः पुलिस द्वारा दोपहर 1 बजे लाखों रुपए की अवैध शराब से भरे एक ट्रक को पुलिस ने पकड़ा और कार्यवाही शुरू की। बाद में पुलिस के द्वारा 7 अन्य ट्रक को पकड़ा गया और आबकारी विभाग को सूचना दी। इन 6 शराब से भरे वाहनों की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी, जिसमें लगभग 15 करोड़ की लागत की हाई रेंज इंपीरियर ब्लू शराब भरी हुई थी। फिलहाल कार्रवाई को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं आबकारी विभाग के जिम्मेदार कार्रवाई के नाम पर सभी ट्रकों का परमिट रिन्यूअल करने की बात पर जोर देकर मामला टाल मटोल करते नजर आ रहे हैं। ये अभी जैसा कि चेकिंग के दौरान कुछ शराब की गाड़ियां यहां पर पकड़ी गई हैं और जिनके कागज़ चेक करते हैं उनका जो परमिट था वो ख़त्म हो चुका है, इनवैलिड है, तो अब उन पर कार्रवाई की जानी है। गाड़ियां ये ग्वालियर से आई हैं और ये गुजरात तरफ जा रही थी। यहां पर अभी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि 6 गाड़ियां खड़ी हुई हैं जिनका परमिट ख़त्म हो चुका है और इनवैलिड हो चुका है, तो इन पर अभी हम कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा एक गाड़ी हमने दोपहर में भी पकड़ी थी जो कि जिसमें भी अवैध रूप से शराब जा रही थी, जो परमिट ख़त्म हो चुका था, और उस पर चौकी पेट्रोल पर कार्रवाई की जा रही है। हम जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको कि एक गाड़ी हमने दोपहर में पकड़ी थी और उसी लॉट के साथ ये सारी गाड़ियाँ थी, तो पिटोल पुलिस यहाँ पर पहुँची है और आबकारी विभाग को भी सूचना मिली है, तो आबकारी विभाग से भी यहाँ पर अधिकारी आए हुए हैं। देखिए, शराब जो है वो उसका परमिट चूँकि इनवैलिड हो गया है तो वो अवैध है, तो कार्रवाई तो उस पर होगी और अभी डीओ मैडम आ जाती हैं तो डिसाइड हो जाएगा कि कौन कार्रवाई करेगा। तकनीकी तौर पे मैम इनका परमिट इनवैलिड है, मतलब खत्म, आबकारी उपस्थित है और पुलिस जब्त कर सकती है इनको? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, ये अभी हमने जहाँ से चली उनके परमिट का वो कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं और अवैध पाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कह रही है, अपना दावा कर रही है कि हमने एक गाड़ी पे कार्रवाई की और 6 गाड़ी और अवैध है, तो हम कार्रवाई करेंगे। इसमें आपका क्या कहना है? इसमें आपका क्या कहना है? मेरे भी पुलिस से इस संबंध में चर्चा नहीं हुई कि क्या कहानी है। यह परमिट एक्सटेंड होने की कार्रवाई होगी? अभी हम इसका परमिट इनके भी पूरा सत्यापन करेंगे, पूरी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। जी, प्राप्त हुआ है उसके घर पे हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके उसका समय अवधि बढ़ाई जाएगी। जी मैम, ये मेल जो आने की प्रक्रिया है ये इनके खत्म होने के पहले आना चाहिए या बाद में? पहले आना, तो आपके पास वो पहले प्राप्त हो चुका है? मौके से वाहनों को आप ले जा रहे हैं, एक्साइज ले जा रहा है या आपका विभाग ले जा रहा है? झाबुआ से सीनियर संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। खबर कटनी से, जहां बरही पुलिस ने तकरीबन 5,94,000 रुपए की अवैध शराब के जखीरे पर ताबड़तोड़ कार्यवाही की है। भारी मात्रा में महुआ लहन का नष्ट किया गया है, साथ ही साथ कार्यवाही से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी बरही शैलेंद्र यादव, चौकी प्रभारी खिलौती के पटेल, विनोद कांत सिंह, उप निरीक्षक शैलेंद्र तोमर, साथ ही साथ कई और लोग मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के कटनी से सीनियर संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।